हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप घर बैठे कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल कर सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई-फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट डेट चूज कर लेना है 23/24। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपने अगर पहले से फाइलिंग स्टार्ट की होगी तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग करके आएगा, बट आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग ही करना है। हमेशा आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म चूज कर लेना है, आईटीआर 1 फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको क्या करना है, बेसिकली प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर देना है। अगर आपको जानना है कि कौन आईटीआर 1 फाइल कर सकता है, तो वो पर्सन जिनका टोटल इनकम 50 लाख से कम है या फिर अप टू 50 लाख है, और उस इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है। अगर इतना केसेस है तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके कर देना है बेसिकली। ठीक है, ओके करने के बाद आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी चीजें चेक कर लेनी है बरोबर है या नहीं। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेरे केस में सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बरोबर है। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है, आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो केस रहेगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके आएगा फाइलिंग अंडर सेक्शन, इसको इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, वापस कॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है आप क्या न्यू स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मैं सीधा नो करने वाला हूँ। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आपके सारे बैंक्स आपको दिख जाएंगे, कोई एक बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है वैलिड करने के लिए। अगर बैंक नहीं दिख रहा है तो ऐड बैंक पे आप क्लिक करके बैंक ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है, कंप्लीट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म्ड करके आ जाएगा। अब हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सारी चीजें यस नो करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैलरी के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको एडिट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है, ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के बेसिस पे यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म 16 में सैलरी एस पर 17-1 लिखा रहता है या फिर AIS लिखा रहता है, तो आप बेसिकली वहाँ पे सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप सीधा आपका सैलरी का अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। एग्जाम्पल देते हैं, 4 लाख रुपये सैलरी है, तो यहाँ पे सीधा आप 4 लाख रुपये डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 5 लाख रुपये है, जितनी भी सैलरी आप यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर्म 16 है तो बहुत अच्छा है, फॉर्म 16 के बेसिस पे आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। रीजन कंट्री ये वाला जो है ना मोस्टली लोगों के केसेस में नहीं रहता है, तो मैं सीधा डिलीट कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसको नहीं बता रहा। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एग्जम्प्ट अलाउंसेस कुछ रहते हैं, तो वो अलाउंसेस आपको यहाँ पे दिखाने हैं। नॉर्मली अचारे वाला अलाउंसेस सब लेते हैं, तो वो बेसिकली आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फॉर्म 16 में है अचारे तो आप अचारे ले लीजिए, अदर कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, मेरे केस में फिलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है 50,000 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स अगर फॉर्म 16 में है तो मैक्सिमम 2500 ही होता है। ठीक है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है, मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव पे क्लिक करके हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या फिर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपको क्या करना है, एड एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है आपको। इसके यहाँ पे ना आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेलेक्ट, तो आपको चेक करना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है क्या। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमको प्रॉपर्टी का बेसिकली यहाँ पे दिखना पड़ता है कि रेट कितना रिसीव किया है हमने, टैक्सेस कितना लोकल अथॉरिटी को पे किया हुआ है, 30% आपको डिडक्शन स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसके बाद अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी पे, तो लोन का डिटेल मतलब इंटरेस्ट का डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, बट बाई एनी चांस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो भी आप लोन का अमाउंट पे कर रहे हैं ना इंटरेस्ट वाला, वो इंटरेस्ट डाल के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेरे केस में फिलहाल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ।
इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपके 26 इयर्स और एआईएस जो है ना उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑटो कोपलेट करके आएगा। आपको जस्ट चेक कर लेना है बराबर है या नहीं, ठीक है, 26 इयर्स और एआईएस चेक कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर करेक्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। 26 इयर्स एआईएस कैसे चेक करना है, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, नहीं पता रहेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है आपको। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, हम यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं 500 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है। और भी बहुत सारे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो प्रोविडेंट फंड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अभी टैक्सेबल हो चुका है, बट उसके कुछ कंडीशंस हैं। आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, करंट ईयर के लिए आप बोलेंगे तो मैं एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, डिविडेंड ऑटोमेटिकली आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे सैलरी भी मैंने प्रॉपरली बता दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी, अदर सोर्स भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कैसे आपको ऐड करना है, ठीक है। एग्जाम इनकम में एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो चुका है। अब हम देखेंगे टोटल डिडक्शंस, इस पर हम क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं, डोनेशन है तो यस कर दीजिए। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में कुछ आपने एलिजिबल है तो आप यस कर दीजिए। ATGG के डिडक्शन के लिए एलिजिबल है तो यस कर दीजिए। बहुत सारे सेक्शन, फॉर एग्जांपल ATC आप यस करेंगे तो यहीं पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 50,000 का ATC है, ATC डिडक्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेक्शन के डिडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ सारे इनकम टैक्स डिडक्शन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे, सारे डिडक्शन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और डिडक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ATTTA जो मैंने इंटरेस्ट डाला ना, इंटरेस्ट का डिडक्शन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है शेड्यूल आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ATC आ गया है जहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया था ऑलरेडी। इसके बाद बहुत सारे सेक्शन है जो शेड्यूल आप चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ATTTA जो हो गया यहाँ पे, ये मैंने 500 का बेसिकली इंटरेस्ट का अमाउंट डाला हुआ था, मैं यहाँ पे 500 का डिडक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। जो कॉमन डिडक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 500 का डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, 500 इन द सेंस आपने जितना सेविंग बैंक एड्रेस डाला हुआ है, मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 तक का डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ATTTB दिखता है यहाँ पे, ठीक है, ATTA नहीं दिखता है। अभी यहाँ पे ATD बहुत कॉमन है तो वो भी आपको बता देता हूँ। एड ATD पे आपको क्लिक करना है। ATD बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस आपने किया रहता है तो उसके लिए रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप, ठीक है, आप एक सीनियर सिटीजन है क्या, अगर है तो यस कीजिए। यस करने के बाद आपको अमाउंट यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आपने पे किया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया, वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर नहीं है तो सीधा नो कर दीजिए, ठीक है। नो करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। और अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेम आपका पेरेंट्स के लिए भी आता है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है क्या, यस अगर है तो यस कीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, नो कीजिए, अमाउंट डाल दीजिए। अगर नहीं है सीनियर सिटीजन, अगर क्लेम ही नहीं कर रहे तो नॉट क्लेमिंग पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डिडक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए। आपको किसी और सेक्शन का डिडक्शन जानना है तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ दीजिए। मैं अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो रहेगा तो मैं लिंक दे दूंगा, नहीं रहेगा तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वापस मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल डिडक्शन। अब हम देखेंगे टैक्सेस पेड। आपको क्या करना है, बेसिकली टैक्सेस पेड है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपका सैलरी से TDS डिडक्ट हुआ है तो शो डिटेल्स फर्स्ट वाला है ना इसमें दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा भाई, एनी चांस नहीं दिख रहा है, नॉर्मली दिखता ही है, बट नहीं दिख रहा है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप TDS का डिटेल ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अदर देन सैलरी वाला TDS है तो आपको इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आपको शो डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे टैक्सेस पेड भी प्रॉपर हो चुका है। अब हम आएंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पर क्लिक करना है आपको।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका टोटल इनकम कितना है, आपको रिबेट कितना मिला है, एवरीथिंग आपको प्रॉपर कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम ऐड करके आ जाता है। इसके बाद कोई डिडक्शंस है तो वो भी आपको ये दिख जाते हैं, फिर टैक्सेबल इनकम दिख जाता है, इसके बाद टैक्स कितना आ रहा है, रिबेट कितना आ रहा है, एवरीथिंग सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आती हैं, टीडीएस कितना है, और कोई रिफंड बनता है तो रिफंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेरे केस में रिफंड नहीं है इसलिए मैं आपको करूँगा कन्फर्म। रिफंड नहीं है, यहाँ पे देखिए 115 रुपये है ना, तो डेफिनेटली 115 रुपीज रिफंड दिखेगा। ठीक है, क्योंकि कोई टैक्स नहीं आ रहा। हम सीधा प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिफंड डेफिनेटली दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 115 मतलब राउंड फिगर करके 120 रुपीज का रिफंड यहाँ पे दिखा रहा है। हम सीधा करेंगे प्रीव्यू रिटर्न। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको आई एग्री यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सारे बेसिक डिटेल्स दिख जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे, जो आपने इनकम के डिटेल्स डाले हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। बस आपको क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें बरोबर है या नहीं। बरोबर है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। हम इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं बिना किसी एरर के। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी ऑप्शन एलिजिबल रहेगा, जैसे आधार ओटीपी से आप ई वेरीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, और बैंक के थ्रू अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बैंगलोर भी फिजिकल कॉपी भेज सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ई वेरीफिकेशन का जो टाइम है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, 30 डेज कर दिया गया, पहले 120 दिन था, अभी 30 दिन कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा लेट ना हो, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो आपका जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। ITR 1 समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि फॉर्म 16 के बेसिस पे आप कैसे फाइल करें, तो पूरा कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कैसे फाइलिंग करना है। इसके बाद ITR 4 भी हम फाइल करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल हुआ है ऑनलाइन। तो सारे वीडियोस यहाँ पे हम लेके आने वाले हैं। आपको इनकम टैक्स के डिडक्शन में कोई भी डाउट रहेगा किसी भी सेक्शन में, मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे पास वीडियो जनरली अवेलेबल ही रहेंगे चैनल पे, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।